हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश वधवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब के फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप्स के बारे में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ऑटोसम। अब ऑटोसम में देखेंगे हम क्या क्या फंक्शंस होते हैं और आप किस टाइप से इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम से। देखिए, आप सम का यूज किस टाइप से कर सकते हैं। आप अगर कर्सर लेके जाएंगे तो आप डेफिनेशन भी जान सकते हैं। ऑटोमेटिकली एड इट अप, योर टोटल विल अपियर आफ्टर द सिलेक्टेड सेल। आप यहाँ किसी भी सेल पर जाइए, आपने वहां जाने के बाद अगर ये ऑटो सम में जाने के बाद सम पर क्लिक किया, रेंज आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। जहां पे भी आपको सम करना है बस आपको एंटर करना है ताकि आप अपना आंसर देख सके। अगर आपको बाकी सेल में भी करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे प्लस का आइकन मिलेगा आपको ब्लैक कलर में, आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आने के बाद जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करेंगे आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रेंज में जो भी आपने आंसर लिया है वो आपका फिल हो जाएगा, या जो भी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आपको सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर हम बात करें कंट्रोल जेड यानी बैक स्टेप की, आप किसी और ऑप्शन से कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आप यहां पर जाने के बाद जैसे ही एल्ट इक्वल प्रेस करेंगे आपकी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। एल्ट इक्वल का मतलब होता है ऑटो सम। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप फिर अपने आंसर को देख सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आप सम का फॉर्मूला खुद से लगाकर करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपने कहा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप खुद से देना चाहें तो आप खुद से भी दे सकते हैं। देखिए, आपका कॉलम नेम है डी और आपका रो नेम है 4। आप यहां पर आने के बाद जैसे ही D4 लिखेंगे आपका वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने कोलन देना है ताकि आपको रेशियो मिल जाए आपने कहां से कहां तक रेंज को लेना है, आप किसके साथ करना चाहते हैं। फिर आपने लिखना है F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप यहां से ड्रैग करेंगे आप तो भी अपने आंसर को ले सकते हैं। तो देखिए, आपने जैसे भी ड्रैग करना हो आप डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं, आप ऐसे कॉर्नर से ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप किसी सेल में चेंज कर रहे हो तो यहाँ आपको चेंज शो हो रहा है या नहीं तो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी सेल में चेंज करोगे यहाँ पे आपका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो 97 है, आपने यहाँ पे 67 अमाउंट डाल दी, आप देखोगे कि आपका आंसर चेंज हो गया। यानी जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चेंज होता है तो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली चेंज शो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज की, एवरेज का मतलब है कि आपने जितने भी टोटल लिए हैं आप उनमें से एवरेज देख सकते हो, कितनी औसत आपकी आई है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, आप सेम वही प्रोसीजर कर सकते इक्वल टू AVERAGE यानी एवरेज को लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने रेंज लेनी है किसकी रेंज में से आपने यहां पर अपना टोटल मेंशन करना है और जिससे आपको एवरेज आपकी शो होगी। रेंज लेने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपको आपकी एवरेज शो हो जाएगी। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका जितना भी सिलेक्टेड एरिया है लास्ट तक या जितनी भी रेंज तक आपकी वैल्यूज है वहां तक आपका आंसर आपको शो हो जाएगा। अगर आप एवरेज को अपने फंक्शन लाइब्रेरी से लेना चाहे तो कैसे लेंगे, देखिए आप जैसे ही अपने फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे वहां एवरेज पर क्लिक करेंगे आपकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। आपको जहां तक रेंज लेनी है आप उस टाइप से रेंज अपनी ले सकते हैं और आप क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यह हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, आप किसी और जगह भी करके देख सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर आंसर आया 52, आप चाहते हो एवरेज को हमने अपने अकॉर्डिंग लेना है तो देखिए आप किसी भी और सेल में जाने के बाद भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे, जाने के बाद आपको एवरेज पर क्लिक करना है। अब आपने कहां से कहां तक की एवरेज रखनी है, आप हिंदी से लेके मैथ तक चाहते हो तो आपने वहां पर एंटर करना है। तो देखिए आप ये एवरेज का फॉर्मूला खुद से टाइप करने के बाद भी वही कर पाएंगे और आप फंक्शन लाइब्रेरी से भी इसका यूज करके देख सकते हैं। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, हमारा जो भी सेल था वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम बात करें काउंट की, काउंट का मतलब क्या होता है, आपकी सिलेक्टेड रेंज या आपके डेटा के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी आप सिर्फ उसे काउंट कर सकते हैं, आपका अल्फाबेट यहाँ पर काउंट नहीं होगा। अगर हम बात करें कैसे, तो देखिए जैसे ही हम काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कितने नंबर को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मैथ, अगर आप खुद भी काउंट करें तो यहाँ पर कितने हैं, हिंदी में एक, इंग्लिश में एक और मैथ में एक, यानी आपके तीन सेल हैं जिनमें मैथ की वैल्यू है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन आपका आंसर आपको शो हो गया। अगर आप चाहते हो आपको अल्फाबेट को सिलेक्ट करके देखना है कि काउंट नंबर में अल्फाबेट काउंट होती है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे, आप जैसे ही इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट अपनी सिलेक्टेड रेंज ले लीजिए। जैसे कि हमने फादर नेम को भी साथ में काउंट कर लिया, हम जा रहे हैं मैथ तक,
फादर नेम हिंदी इंग्लिश मैथ, आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका आंसर फिर से 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है, इसमें अल्फाबेट काउंट नहीं होती। जिस सेल में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे आपके सेल में कितनी भी वैल्यू हो, वो एक सेल में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसे एक ही काउंट करेगा। अगर आप बाकी सभी में करना चाहो तो कॉर्नर में आने के बाद इस टाइप से ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें काउंट ए, तो काउंट ए का मतलब क्या होता है, आप नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी काउंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने काउंट में देखा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट हो रही थी, अब देखिए हमने जैसे ही यूज किया इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, आप जो भी रेंज देंगे, अब आप फादर नेम को भी साथ में लेके देखिए, हमने कितना लिया यहाँ से 3 और एक फादर नेम 4, यानी अब आपका आंसर आप देख सकते हैं क्या आया 4। तो काउंट ए ने क्या किया, अल्फाबेट को भी लिया और काउंट क्या कर रहा था, सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करके आपको शो कर रहा था। अब बात करेंगे हम मैक्स की, तो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम का मतलब जो भी आपकी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको आंसर के रूप में शो हो जाएगी। अब हम बात करें कि हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मैक्स के फॉर्मूला पर जाएंगे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्टेड रेंज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर आप रेंज लेना चाहो, हम चाहते हैं टोटल में से जो भी मैक्सिमम है यानी जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है हमें वो शो होनी चाहिए। अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 292 है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको आपका आंसर शो हो जाएगा। आप ऐसे ही देखना चाहें कि मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही अपनी फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे आपको मिन का फॉर्मूला यूज करना है और आपको अपनी सिलेक्टेड रेंज देनी है। आप जैसे ही जिस रेंज में देंगे आपको आपका आंसर शो हो जाएगा। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हो हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 34 है। अब आप देखेंगे 157, 210, 211 सबसे जो छोटी है 134 है, बाकी हमारे पास इससे सबसे बड़ी वैल्यूज है। आप इस टाइप से अपने फंक्शन की लाइब्रेरी को इजी वे से यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑटो सम के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जान सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।